मुझे आज भी दोस्तों वो दिन वो बातें याद हैं जब हम लोग मैच देखा करते थे और सौरभ दादा के आते ही, सौरभ गांगुली जी के आते ही एक तरीके से हम लोग निश्चिंत हो जाते थे कि सौरभ गांगुली आए तो भैया अब तो मैच जीतना है। राहुल द्रविड़ ले लीजिए, सौरभ गांगुली ले लीजिए या फिर सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, ये कुछ वो महान आइकॉन्स हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूँ, इससे पहले भी थे, मैं और रो को रिडिक्यूल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था उस दौरान जो मैंने क्रिकेट में देखा 90s के दौरान, अर्ली 2000 के दौरान, तो ये वो कुछ क्रिकेटर्स थे जो कि बहुत ही पैशनेट और बहुत ही मतलब भारत की नैया पार कराने वाले टाइप्स के थे। ऐसे में आपको बताना चाहता हूँ कि नो फिल्टर विद नेहा में एक क्वेश्चन पूछा गया और पता है सौरभ गांगुली जी ने क्या जवाब दिया, सुनिए ध्यान से। दोस्तों सौरभ गांगुली यानी कि अपने दादा, सौरभ गांगुली जी का जो जिस तरीके से क्रिकेट का स्टाइल था वो बहुत ज्यादा अलग है, यूनिक है और हम सबको पता है। और वो हालांकि कॉन्ट्रोवर्सीज का भी हिस्सा रहे जब उन्होंने टी शर्ट उतार के डांस किया था उस चीज को लेकर। खैर वो सब पुरानी बातें हैं। नो फिल्टर विद नेहा में नेहा धूपिया दोस्तों पूछती हैं सौरभ गांगुली से सवाल कि अगर आपकी बायोपिक, इज देयर एनी बायोपिक ऑन कार्ड्स, ठीक है, तो और अगर बनती है तो कौन बॉलीवुड का एक्टर जो है इस पर आपके कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों सौरभ गांगुली जी सोचते रह जाते हैं और नेहा अचानक से रैंडमली नाम लेती है, आई मस्ट से ऋतिक वुड डू जस्टिस, मतलब ऋतिक रोशन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सौरभ गांगुली पता है क्या कहते हैं, सौरभ गांगुली कहते हैं यस ऋतिक कैन, बट उसको है ना पहले, सबसे पहले तो मेरी तरह बॉडी बनानी पड़ेगी। और दोस्तों एक हंसी का माहौल आ जाता है, हम सब जानते हैं कि ऋतिक रोशन दोस्तों बहुत ज्यादा मस्कुलन है एंड अगर बात की मस्कुलर है एंड अगर बात की जाए तो यस चिसल फेस चिसल बॉडी, बट यहाँ पर अगर बात की जाए दादा की तो दादा इज एवरेज, राइट। तो यहाँ पर नेहा धूपिया भी हंसते रह जाती है और हम लोग भी कहते हैं कि वाह भाई क्या जवाब दिया है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है, आपको क्या है कहना इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन ऋतिक रोशन की एक्टिंग स्किल्स हमने देखी है दोस्तों, उनके बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है पास की फिल्म्स में, तो शायद कर सकते हैं ऋतिक। लेट्स सी देखते हैं अगर ये फिल्म बन गई तो मजा आ जाएगा। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं।